इस वक्त एक गरीब परिवार है जो भरतना के ग्राम खितौरा में रहता है, जिनके घर पे शाम के करीब 9 बजे के आसपास आग लगी हुई है। ये झोपड़ी आप देख रहे हैं, इस झोपड़ी में ये परिवार रहता था। लंबे समय से ये लोग इसी जगह पर रह रहे हैं और इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना देने की बात करते हैं, लेकिन आज ये परिवार ऐसा है, ना तो इनको अब तक कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और ना ही इनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। तमाम सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, फिर भी किसी भी योजना का इनको लाभ नहीं मिल पाया है। तो जानेंगे इनसे किस तरीके से यहाँ पर घटना घटित हुई और इनको इन सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है। पहले आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ इनके जो कपड़े हैं ये सारे पड़े हुए हैं। आज इनकी हालत ये हो गई है कि इनके घर पर खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जितना भी अनाज इनका रखा हुआ था वो सब कुछ इस झोपड़ी में जल करके राख हो गया है। पहनने के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, सब कुछ कहें तो जल करके राख हो गया और ये पूरी तरीके से आज सड़क पर आ चुकी, क्योंकि इनके पास यही वो जगह है और खेत है जो कि किसानी करते हैं ये, और किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इनके लिए दुख की घड़ी है और आज ये काफी दुखी है, क्योंकि पूरी तरीके से इनके पास ये एक झोपड़ी थी जो जल चुकी है। इसके अंदर कोठला भी रखा था, बक्सा भी रखा था और जो भी अनाज था वो सब कुछ रखा हुआ था। अब ये आग कैसे लगी ये तो इनको भी नहीं पता है, लेकिन इनका ये कहना ये है कहीं ना कहीं इनके घर में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, चूल्हा भी नहीं जल रहा था, फिर आग कैसे लगी ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इनसे ये जानते हैं कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ इनको अब तक क्यों नहीं मिल पाया। चाचा क्या नाम है आपका? राम नारायण। क्या हुआ आपके घर पे शाम को, कैसे क्या हुआ, पूरी घटना बताएं। ये हमारे घर पे आग लगी हुई थी, मैं उधर से आ रहे थे तो आग लगी हुई थी, मैंने बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझा पाई। फिर उसमें बकरियां भी जल गई, अनाज भी था, कपड़े लत्ते भी थे, जो भी सामान मेरा था गृहस्थी का वो सारा राख हो गया। तो अनाज वगैरह कुछ नहीं बचा खाने? नहीं, कुछ नहीं है अभी इस समय, खाने को कुछ नहीं है। तो क्या सरकार से मदद की मांग करते हैं, क्योंकि आप इतने वर्षों से इस गांव में रह रहे हैं, ना ही आपके पास आवास है, ना ही गैस सिलेंडर है, कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया, क्या कारण है, क्या आपने अप्लाई नहीं किया इन सब योजनाओं के लिए? जी नहीं किया, कोई अप्लाई नहीं किया आपने, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया? ऑनलाइन किया था, मेरा आया ही नहीं अभी तक, आया नहीं है। नहीं, तो आप इतने गरीब परिवार से हैं, आपके पास बच्चे हैं, जगह भी है, प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे गरीबों को, आपको क्यों नहीं मिल पाया? मुझे इतना मालूम नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है साहब, तो मुझे सूचना नहीं मिल पाती है, तो मैं यहीं अपना किसनई में लगे रहते हैं, बच्चों को कमा के खाना सुबह के शाम तक खाते हैं, बस सुबह को नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके घर? हमारे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे जी। और पशु होंगे आपके? पशु बकरियां हैं। तो इन सबसे पशु और खेतीबाड़ी करके ही अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं? जी हाँ। तो आज क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी झोपड़ी भी जल चुकी है, अब क्या करें? आप जो है अभी बाहर लेटे थे चपरे में, ऐसे ही सर्दी में जग के मतलब टाइम पास किया, और क्या बताएं। तो आप सर्दी में इसी खुले आसमान के नीचे डले रहे? जी हाँ। बच्चों को लेकर के? जी। तो आप जब आप आग लगी थी तो आप घर पे नहीं थे उस वक्त? नहीं थे। आपके घर पे आपकी पत्नी थी क्या? जी हाँ, सो रही थी। जी, तो इनकी पत्नी थी जो घर पे जिस वक्त आग लगी थी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा देवी। तो जब आप घर पे थी तो कैसे आग लगी, क्या जानकारी मिली आपको? हम तो सो रहे थे, बच्चे ने मेरे ने बड़े वाले ने कही कि मम्मी आग ही लग गई, तो हम एकदम यहाँ से जग के भागे, तो बकरियां छोड़ने लगे और बकरी भी नहीं छोड़ पाई, तो मेरा बच्चा भी मर गया। और फिर कहना की फिर हमने इनको आवाज दी, तो भैया मेरे लोग आ गए, बिन्ने बोला कर चलो आओ, हम कहना कि सब लोग बुझबात है, सब नहीं लोग सबने बुझवाई, हम तो यही रहे थे। तो ये जगह जो है जहाँ आपकी झोपड़ी रखी है, ये जगह सभी आपकी है? हाँ। तो आप आपको जो सरकारी योजना का जो लाभ मिलना था वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिला भैया, नहीं मिल रहा है हमको। किसी से मांग नहीं की आपने, कोई विधायकों से? कई तो है, प्रधान ने बोला कि चाची करवाएंगे, और फिर अभी तक मेरी कुछ आई नहीं है, और लोगों की सबकी आई गई है। तो देख सकते हैं ये वो परिवार है जिनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, आज ये पूरी तरीके से खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये आग कैसे लगी ये कोई जानकारी नहीं मिल पाई अब तक? नहीं मिल पाई।
तो इनको भी नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। फिलहाल इनकी जो झोपड़ी है वो पूरी तरीके से जल चुकी है, जिसके अंदर अनाज, खाने पीने का जो भी सामान था, नमक से लेके जो जो भी होता है घर के अंदर, वो सब कुछ इनका जल गया है। तो आज ये काफी परेशान है। और वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बक्सा रखा हुआ है और कोठला भी रखा हुआ है, और ये झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें आग लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ये परिवार इसी झोपड़ी के अंदर रहकर अपना गुजारा करता था, और लंबे समय से सर्दियों के मौसम, बरसात के मौसम में ये लोग यहीं पर रहते हैं, लेकिन इनको अब तक कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। अब ये परिवार काफी परेशान है, और इनके काफी पशु भी हैं जो कि इसी सर्दी के मौसम में यहीं खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे आप किस तरीके से पूरी तरीके से इनकी जो झोपड़ी है वो जल चुकी है। इनका कहना है कि गांव के लोग, आसपास के लोग दौड़ते हुए आए, तब जो इंजन चल रहा था उससे पानी को इस झोपड़ी पर डाला गया, उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर यह है कि इनको आवास योजना का लाभ और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा है। भले उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए तमाम योजना चला रही है, लेकिन आज एक परिवार ऐसा भी है जिसको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। लगातार आप देखते रहिए MSS न्यूज।